हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, प्लास्टर तो आप सभी लोग अपने घर में ज़रूर करवाते होंगे और प्लास्टर करवाने के बाद आप पुट्टी करवाते होंगे। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या, अक्सर आपने देखा होगा कि पुट्टी कराने के महज 5 से 6 महीने बाद जो है पुट्टी फूल जाती है और दीवारों से गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा हम लोग क्या करें कि जो पुट्टी हमारी सालों साल दीवार से हिलाए ना हिले? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताऊँगा। आप यकीन मानिए, अगर आप वो तरीका अपनाते हैं तो आप पुट्टी, आपकी जो पुट्टी आप करवाते हैं वो आपकी सालों साल चलती रहेगी बिना कोई दिक्कत की है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो टिप्स दी जा रही है बस उसको फॉलो करिए और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो होता क्या है, कभी भी हम लोग प्लास्टर करवाते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये होता है हमारा गिरमाला। इससे अगर मिस्त्री आपका जो गिरमाला लगा देता है तो आपकी सरफेस जो होती प्लास्टर की बहुत ज़्यादा इसमें स्मूथ हो जाती है। और अगर सरफेस आपकी जितनी ज़्यादा स्मूथ होएगी, जितनी ज़्यादा चिकनी होएगी, तो पुट्टी को आपको उसे पकड़ने में बहुत ज़्यादा हमारी दिक्कत होगी, उसका बॉन्ड नहीं बन पाएगा। और यही कारण होता है कि पुट्टी हमारी जो है आने वाले 5-6 महीनों में हमारी पुट्टी दीवार से छूट जाती है। तो आपको करना ये है कि अगर आपका मिस्त्री इसे लगा रहा है तो उसे मना कर दीजिए, आप अपने प्लास्टर करवाइए और गिरमाला की जगह आप जो और औजार होते हैं, आप वहाँ गुटका वगैरह होता है जिसे, वो लगा सकते हैं। तो गुटका लगाने से क्या होता है, सरफेस आपकी की थोड़ी ज़्यादा रफ़ रहेगी। और जितनी जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपका गिरमाला नहीं लगा हुआ है, तो अगर आपकी सरफेस रफ़ रहेगी तो पुट्टी का आपको बॉन्ड बनाने में उसमें आसानी रहेगी। तो पुट्टी अच्छे से आपको दीवार को, प्लास्टर को पकड़ लेगी और सालों साल यहाँ से हिलाई नहीं लेगी। तो बस आपको इतना करना है कि आपका मिस्त्री कहिए, अगर प्लास्टर कर रहा है तो उसकी सर्फिस थोड़ी रफ़ रखे और ये यहाँ पर गिरमाला इसमें ना लगाए। और पुट्टी आपको कब करवानी है, अगर प्लास्टर करवाते हैं तो प्लास्टर करवाने के 1 हफ्ते बाद ही उसे पुट्टी करवाएँ। ये नहीं, कई लोग क्या करते हैं कि आपने प्लास्टर करवाया और सूख नहीं पाया प्लास्टर और 2-3 दिन में पुट्टी करा दी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जब आप प्लास्टर करवाते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते तक का, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए उसको, उसके बाद इसमें पुट्टी कराइए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, क्या होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं जी, आपकी टॉयलेट बाथरूम है, इसमें आप टाइल्स लगवाते हैं तो आप अपने मिस्त्री से कहिए, अगर आप प्लास्टर करें तो जहाँ तक आपकी टाइल्स लगनी है वहाँ पर वो झाड़ू से या किसी चीज़ से भी जो है इस तरीके से आप निशान मारते हैं। इससे भी क्या होगा, अगर टाइल लगवाएंगे तो उसका आपका जो बॉन्ड होगा दीवार से बहुत अच्छा बनेगा, आपकी टाइल भी जो है उसमें आपकी मजबूती दुगनी हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स दोस्तों हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसे फॉलो करिए और यकीन मानिए, आपका जो है, आप पुट्टी करवाते हैं या पेंट करवाते हैं, वो आपका दीवार से हिलाई नहीं लेगा सालों साल। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसे ही आप और इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं उनको वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।